तो फाइनली भाई लोग आज हम बात करने वाले अपना हाइपर बुक के बारे में एंड और भी इसका खास साथ में और भी न्यू इवेंट्स आया है जो कि आप लोग को पूरा रिव्यू कराएंगे एंड और उसका साथ साथ में आप लोग को कौन कौन सा इवेंट देखने को मिलेगा वो भी आपको बताते एंड बहुत ही जल्दी अपना फ्री फायर में लकविल इवेंट देखने को मिलेगा न्यू वाला एंड उसी के साथ साथ में काफी और न्यू इवेंट्स भी है जैसे की ग्लोबल स्किन हो गया और बहुत सारा इवेंट्स भी है। अरे भाई जान नहीं देना है, बस आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना है। तो भाई लोग बिना देरी किए हुए जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग आप लोग को पहले हाइपर बुक का रिव्यू करा देते हैं। तो फाइनली गाइस अपना न्यू हाइपर बुक का ये वाला होने वाला है जो कि गाइस यहाँ पे आप लोग देख रहे हो और यहाँ पे देख सकते हो गाइस AC80 का आप लोग को स्किन देखने को मिलेगा ये वाला हाइपर बुक में एंड आप लोग को और भी कुछ दिखाने वाला और यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे AC80 का काफी खतरनाक लुक्स दिया गया है जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो काफी ओपी होने वाला है एंड गाइस इसका मतलब आग निकल रहा है, काफी ओपी लग रहा है देखने में। और गाइस इसके बाद आप लोग को एक कटाना का स्किन देखने को मिलेगा बट गाइस आप लोग को इसमें एनिमेशन इसलिए नहीं देखेगा गाइस कभी कभी आप लोग को एनिमेशन देखने को मिलेगा और एनिमेशन ऑटोमेटिक चला जाएगा और एनिमेशन ऑटोमेटिक आएगा। तो ये हो गया कटाना का और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ग्लोबल का स्किन आप लोग को इस तरह से देखने को मिलेगा जो कि पहले ब्लैक हो जा रहा है उसके बाद यहाँ पे आग निकल के लाल हो जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ में आप लोग को एक और ग्लोबल का स्किन दिया जा रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीला कलर का और काफी ओपी लग रहा है, ये भी उसी का टाइप का है जो कि यहाँ पे पहला काला हो जा रहा है उसके बाद चमक के नीला हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक ग्रेनेड का स्किन देखने को मिलेगा जो कि काफी ओपी लग रहा है और भाई लोग यहाँ पे आप लोग को एक बंडल देखने को मिलेगा जो कि अभी बंडल को तैयार नहीं किया गया है बट आप लोग को यहाँ पे जब तैयार करके लगा देगा तो गाइस आप लोग दिखा देंगे तो टेंशन ना करो, ठीक है। तो गाइस आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड अब बात कर लेते हैं फाइनली अपना नेक्स्ट लक रॉयल इवेंट के बारे में जो कि गाइस यहाँ पे आप लोग को तैयार होकर आया गया है जो कि गाइस बंडल तो काफी ओपी लग रहा है मेरे को, ठीक है। आप लोग यहाँ पे बंडल आप लोग को पहले दिखा देते हैं ताकि आप लोग अगर पैसा ना हो तो डायमंड आप लोग जमा करके रखो, ठीक है। तो भाई लोग इसका यहाँ पे बॉडी देख लो, काफी ओपी लग रहा है, चमक चमक रहा है कुछ। इसका पैंट भी आप लोग को देखने को मिलेगा एंड इसका मास्क देख लो एंड इसका बाल देखो गाइस काफी ओपी लग रहा है जो कि व्हाइट व्हाइट कर दिया है एंड पीछे की तरफ कुछ टैटू वगैरह बना दिया जो कि देखने में तो काफी ओपी लग रहा है और चिकना भी लग रहा है, ठीक है। और इसका भाई लोग यहाँ पे बॉडी देख लो और पैंट भी और जूता भी देख लो एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा एक बैकपैक का स्किन जो कि इसमें आप लोग को दिया गया है एंड उसी के साथ साथ में आप लोग एक पैन का स्किन भी देखने को मिलेगा जो कि आप काफी ओपी लग रहा है बट उतना भी ओपी नहीं बोल सकते। उसके बाद भाई लोग आप लोग को कुछ एक मतलब ग्लोबल का स्किन देखने को मिलेगा जो कि ऐसे ये वाला ग्लोबल आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि काफी ओपी लग रहा है यहाँ पे देख सकते हैं एंड ग्लोबल का तो स्किन काफी ओपी लग रहा है बट इसमें कुछ हमको लोचा लग रहा है, इसमें कुछ इफेक्ट नहीं दिया गया तो गाइस आप लोग को कुछ यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। और गाइस इसमें अगर इफेक्ट लगा हुआ रहता तो गाइस काफी ओपी लग रहा है एंड कोई पसंद भी करता है इस ग्लोबल को, लेकिन आप लोग कितना पसंद करते हो तो कमेंट में जल्दी बताना, ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं इसमें कौन सा और ऐड क्या गया जो कि यहाँ पे आप लोग को स्केट बोर्डिंग देखने को मिलता होगा जो कि काफी ओपी लग रहा है जो कि इतना भी ओपी नहीं बोल सकते। एंड अब बात कर लेते हैं भाई लोग इसका डेट के बारे में जो कि गाइस आप लोग को नेक्स्ट अपडेट से पहले आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग जब से इनक्यूबेटर गया है गाइस आप लोग को ये वाला आप लोग को बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलता होगा ये वाला M10 जो कि काफी ओपी M10 है और आप लोग को पता भी एंड ग्रीन वाला तो काफी ओपी लग रहा है जो कि मेरा भी पास ऑलरेडी परमानेंट है आप लोग को पता होगा। खैर भाई लोग इनक्यूबेटर चला गया तो कोई नहीं, बात नहीं। खैर आप लोग को बता दे कि इनक्यूबेटर में तो नहीं लेकिन टोकन वेल इवेंट में आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा और चारों का चारों M10 देखने को मिलेगा। एंड पहले बात कर लेते हैं आप लोग को यहाँ पे रेड वाला M10 देखने को मिलेगा जो कि काफी ओपी लग रहा है देखने में एंड ये भी यही भी वाला रेयर है। और भाई लोग यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे व्हाइट वाला देखने को मिलेगा जो कि काफी ओपी लग रहा है ये भी वाला, ठीक है। लेकिन ये वाला तो मेरे पास नहीं है बट आपको ये वाला जो कि भाई लोग आप लोग को यहाँ पे साइड में ग्रीन वाला आप लोग को देखने को मिलता है जो कि काफी ओपी है बट ये मेरे पास परमानेंट ओनली है जो कि हम इनक्यूबेटर से ही निकाले थे। और उसके बाद यहाँ पे आपको हल्दिया वाला आप लोग को देखने को मिलेगा एंड साथ ही में इसका बात कर ले डेट का तो भाई लोग आप लोग को 9 मार्च को आप लोग को देखने को मिलेगा यानी कि आप लोग को नेक्स्ट मंथ को देखने को मिलेगा। एंड तो जिस भाई को भी लेना है तो भाई लोग आप लोग डायमंड जमा करके रख लो फास्ट में, ठीक है। एंड तो चलिए नेक्स्ट इवेंट की बात कर लेते हैं एंड आप फाइनली बता देते गाइस आप लोग को यहाँ पे न्यू ग्लोबल का स्किन जो कि यहाँ पे आप लोग ग्लोबल रॉयल आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि गाइस आप लोग को यहाँ पे लक रॉयल पे आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कि गाइस आप लोग को काफी न्यू ग्लोबल का स्किन और पुराना ग्लोबल का स्किन देखने को मिलेगा एंड साथ में गाइस यही लेजेंडरी ग्लोबल आप लोग को देखने को मिलेगा एंड इसी के साथ हमें आप लोग ये भी ग्लोबल स्किन देखने को मिलेगा जो कि काफी ओपी लग रहा है एंड नेक्स्ट लेवल भी लग रहा है गाइस। यहाँ पे आप लोग को कुछ रेड कलर में आप लोग को देखने को मिलेगा और उसके बाद देखते हैं कौन सा न्यू ग्लोबल है एंड फाइनली गाइस यहाँ पे आप लोग को ये भी पुराना ग्लोबल है जो कि काफी पुराना है बट आप लोग को रिटर्न में आप लोग को अभी तक देखने को नहीं मिलेगा, ये तो गाइस मेरा पुराना वाला आईडी में था। उसके बाद गाइस आप लोग को ये वाला ग्लोबल का स्किन जो की मिलेगा जो की कभी कभी आप लोग को मिस्ट्री शॉप में आप लोग को देखने को मिला होगा, आप लोग ध्यान देना, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ पे आप लोग को 4 ग्लोबल का स्किन देखने को मिलेगा जो की पहले वाला आप लोग न्यू वाला आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो की काफी ओपी लग
जो कि यहाँ पे न्यू वाला काफी ओपी तैयार करके दिया गया है। जो कि भाई लोग यहाँ पे आपको बता दे कि ये वाला गोल गोल का स्किन कितना डायमंड में आप लोगों को निकल बटगा। भाई लोग आप लोग 400-500 डायमंड का स्पिन मारोगे ना गाइस आप लोगों, तो आप लोगों को जल्दी ही निकल जाएगा। जो कि गाइस काफी ओपी वाला गोल गोल आप लोग को जल्दी ही मिल जाएगा एंड काफी उतना फालतू रिवार्ड्स भी नहीं है। एंड बात कर ले इसका डेट का, तो गाइस आप लोग को 19 फरवरी को आप लोग को देखने को मिलेगा, यही आप लोग को 2 दिन बाद आप लोग को देखने को मिल जाएगा। एंड जिस भाई का पास डायमंड है तो वेस्ट ना करे भाई लोग, आप लोग 19 फरवरी को आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसको भी होगा निकाल लेने का। तो भाई लोग आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, तो भाई साहब आप लोग जितना भी इन्फॉर्मेशन था आप लोग को दे दी। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।